हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अभिषेक पांडे. वेलकम टू DNS ऑफिशियल चैनल ऑफ यूट्यूब. तो आज हम लोग पढ़ेंगे BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में सॉइल साइंस का कोर्स के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. देखिए, हम लोग क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है. तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमको जो सॉइल साइंस के अंदर जो कोर्स पढ़ना है वो है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, मतलब सॉइल साइंस का फंडामेंटल. अब देखिए, फंडामेंटल क्या होता है कि फंडामेंटल होता क्या है कि हम किसी चीज़ की बेसिक जानते हैं कि क्या है ना. सॉइल साइंस में क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है. जो सॉइल साइंस पूरा सब्जेक्ट है, ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या, मतलब पूरे 4 साल सॉइल साइंस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा. तो उसके अंदर हमको जो जो बेसिक नीड है, जो जो टर्मिनोलॉजी है, वो इसी सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में उसका अप्लीकेशन होगा, उसका यूज़ होगा, ठीक है. तो ध्यान से ये सेमेस्टर पढ़ना है. और जिस बच्चों को आगे चल के सॉइल साइंस में कुछ करना है, JRF और PhD प्रोफेसर बनना है, उसके लिए ये अभी से इंटरेस्ट जगा के पढ़िएगा आप लोग. अगर कोई भी डाउट होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. तो ये जो कोर्स है वो 2+1 3 क्रेडिट का है, मतलब हफ्ते में 2 बार थ्योरी चलेगी और 1 बार क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है. 3 क्रेडिट का कोर्स है, मतलब इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है. तो इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट पे आते हैं. फर्स्ट यूनिट जो है हमारा सॉयल पेडोलॉजिकल एंड एडफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ सॉयल. कहने का मतलब क्या है कि हम सॉयल के बारे में पढ़ेंगे, सॉयल होता क्या है, सॉयल का फुल फॉर्म क्या है. जैसे सॉयल का फुल फॉर्म क्या है, एस फॉर सोल, ओ फॉर ऑफ, आई फॉर इन्फिनिटी, एल फॉर लाइफ, मतलब सोल ऑफ इन्फिनिटिव लाइफ, ठीक है. मतलब जीवन का अनंत सार, ठीक है, आत्मा है, आत्मा, ठीक है, सोल ऑफ इन्फिनिटिव लाइफ, ठीक है. तो इसमें क्या है, पेडोलॉजिकल एंड एडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. पेडोलॉजिकल का मतलब क्या है, पेडोलॉजिकल इज अ साइंस ऑफ, इज अ अप्रोच ऑफ इन अ सॉइल साइंस विच डील विद सॉइल जेनेसिस कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. कहने का मतलब ये है कि हम ये पढ़ते हैं पेडियोलॉजी में कि सॉइल का जेनेसिस कैसे हुआ है, सॉइल कैसे बनी है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और उसका कंपोजिशन क्या है, ऐसा कुछ हम लोग पेडियोलॉजिकल में पढ़ते हैं. एडफोलॉजिकल का मतलब क्या है, एडफोलॉजिकल इज अ अप्रोच ऑफ अ सॉइल इन अ सॉइल साइंस विच डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन क्रॉप्स एंड द सॉइल फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ द सॉइल प्लांट, ठीक है. आप कह सकते हैं कि एडफोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है, एडफोलॉजिकल में ये पढ़ाया जाता है, एडफोलॉजी उसमें हम क्या करते हैं, सॉइल और प्लांट के बीच में क्या संबंध है, कैसे हम एक बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या हम उसमें करते हैं, उसके बारे में हम लोग का एक रिलेशन बताया जाता है एडफोलॉजी में, ठीक है. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हम लोग जब यूनिट पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको समझाएंगे, ठीक. अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. देखिए, हर चीज़ का कुछ ना कुछ कंपोनेंट होते हैं, उसके कंपोजिशन होते हैं, किससे क्या मिलके बना होता है. जैसे दूध में चले जाइए, दही में चले जाइए, 99% फैट है, 0.1% मॉइस्चर है, 0.2% एस है. तो ऐसी तरह हर चीज़ में आपको, एक अंकल चिप्स का भी पैकेट लेते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है एनर्जी इतने परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट इतने परसेंट है, प्रोटीन इतना मिल रहा है, ट्रांस फैट इतने हैं. कुल मिला के इसी तरह हम क्या करेंगे, सॉइल के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे. सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, सॉइल में एयर कितना है, वाटर कितना है, वाटर वेपर कितने हैं, ठीक है. तो ये सब चीज़ें, मॉइस्चर कितनी होनी चाहिए, मिनरल्स कितने होने चाहिए ना, कितने होते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ मूविंग टू द सेकेंड यूनिट विच इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स एंड रॉक्स. मतलब सॉइल बनने के लिए सॉइल कैसे बनता है. जैसे आज हमको मिट्टी दिखती है, हम जहाँ तक पढ़े हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल में, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में लगभग 1000 मिलियंस ईयर एगो बनता है. मतलब 1000 मिलियंस ईयर लगते हैं, मतलब अरबों साल लगता है, ठीक है. तो उसको बनने में 1 सेंटीमीटर सॉइल ख़त्म होने में मात्र 5 सेकेंड, ठीक है. एक लैंड स्लाइड आई, पूरी सॉइल खत्म,
तो सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए सॉयल कंजर्वेशन आज के डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके ऊपर बहुत सारे अप्रोचेस आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब अप्लीकेशन किए जा रहे हैं, कहीं कहीं मिशन चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो गई हैं आज के डेट में। तो कैसे उसमें मिनरल्स एंड रॉक्स का क्या पार्टिसिपेशन है, कैसे सॉयल बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है, रॉक्स का अपक्षण क्या होता है, रॉक्स कैसे टूटती है, कौन कौन से कारण है, किस तरीके से टूटती है, क्या रिएक्शन होता है, ये सब यहाँ पर जानेंगे हम लोग। और मिनरल्स में, ठीक है, और सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर एंड प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे सॉयल बनता है और प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड यूनिट पे, इम्पॉर्टेंट यूनिट है। नाउ मूविंग टू द थर्ड यूनिट, डेवलपमेंट ऑफ सॉयल प्रोफाइल। सॉयल प्रोफाइल कैसे बनता है, जैसे सॉयल प्रोफाइल का मतलब क्या है कि अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए आप सॉयल, ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है ना, तो अर्थ क्रस्ट में अगर आप वर्टिकली कट मारेंगे तो आपको सॉयल में बहुत सारे होराइजन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी ब्लैक हो सकती है, ब्राउनिश हो सकती है, उसको ओ होराइजन कहते हैं, फिर यहाँ ए होगा, बी होगा, सी होगा और यहाँ बेड रॉक होगा। तो ऐसे कुछ होराइजन आपको देखने को मिलते हैं, आप कहीं गड्ढा खना रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो वर्टिकली सेक्शन है यही आपका क्या है, सॉयल प्रोफाइल है। तो इसका भी हमको डेफिनेशन देखना होगा, कैसे बनता है, कौन कौन से कारण है, तो ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ाई जाएगी, ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। फिजिकल प्रॉपर्टीज, नाउ मूविंग टू द फोर्थ यूनिट विच इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो सॉयल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जो चीज़ आपको दिख रही है ना, सॉयल का टेक्स्चर कैसा है, ठीक है, सॉयल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, और उनके साइग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे कि क्या उनका महत्व है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉयल की बात किया जाए फिफ्थ यूनिट में, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉयल पढ़ना होगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉयल में क्या है कि जैसे सॉयल में कैसे उसका पीएच कितना है, सॉयल में मॉइस्चर एबिलिटी कैसी है, सॉयल मॉइस्चर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, आगे कैटायन एक्सचेंज फेनोमिना क्या होता है, कैटायन मतलब कैसे सॉयल के अंदर एक कैटायन दूसरे एनायन से कैसे एक्सचेंज करता है ना, पौधे को कैसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है, वो फर्टिलाइज़र कैसे पहुँचता है ना, एंड दियर इम्पॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में उसका एग्रीकल्चर में उसका क्या इम्पॉर्टेंट है वो जानेंगे, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज सॉयल एयर, डेफिनेशन, कंपोजिशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ सॉयल एयर। अभी हम जैसे बता रहे थे कि कंपोजिशन ऑफ सॉयल में, कंपोनेंट्स ऑफ सॉयल में, जैसे सॉयल एयर पढ़ना है, सॉयल वाटर पढ़ना है, सॉयल मॉस, सॉयल वाटर हो गया, ठीक है, तो उसमें मिनरल्स एंड कंपोजिशन पढ़ने हैं, सॉयल सॉलिड पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पढ़ना रहेगा। तो सॉयल एयर के बारे में जानेंगे, सॉयल एयर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें सॉयल एयर में कौन कौन सा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ तक आपको पता है, आपको भी पता ही होगा कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में क्या है, 0.03% है हमारे एनवायरनमेंट में, उसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉयल में है वो 0.3% होता है, लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में या मेरे ऐप में, DNS के एजुकेयर ऐप में आप मुझे रिप्लाई करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ सॉयल एयर, फैक्टर का मतलब कौन कौन से कारक हैं जो कि सॉयल कंपोजिशन ऑफ सॉयल एयर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है सॉयल एयर में वो घट जाता है या बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, तो कौन कौन से कारण हैं, हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ते हैं इस यूनिट में, ठीक। आगे चलते हैं, सेवेंथ यूनिट जो हमारा है सॉयल वाटर, ठीक है, तो सॉयल वाटर है रिटेंशन पोटेंशियल, सॉयल मॉइस्चर कांस्टेंट, मूवमेंट ऑफ सॉयल वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, इंटर्म में शायद इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, मिड टर्म में तो जहाँ तक हमको पता है आपको बता देते हैं, मिड टर्म में ये यूनिट आने वाली है, फर्स्ट यूनिट आएगी, सेकेंड यूनिट आएगी, ठीक है, और यहाँ से आपका सॉयल कोलाइड आएगा थर्ड यूनिट, और आपके एक यूनिट और आ सकती है सॉयल रिएक्शन से, ठीक है।
तो एक बार आप उनको कंफर्म करके बताइएगा कि आपके जो कॉलेज है या जो यूनिवर्सिटी में आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसमें मिड टर्म में कौन कौन से यूनिट आने वाले हैं, तो वही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट लेक्चर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे आपके मिड टर्म में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग सॉयल वाटर के बारे में जान लेते हैं। तो सॉयल वाटर का डेफिनेशन जानेंगे कि सॉयल वाटर होता क्या है, ठीक है, उसमें रिटेंशन प्रॉपर्टीज़ कैसे डेवलप होती है, सॉयल में पानी कैसे रुक जाता है, कैसे होल्ड होता है, किस कारण से रुकता है, ठीक है, ये सब जानेंगे। फिर पोटेंशियल क्या है उसका, ठीक है, सॉयल वाटर पोटेंशियल भी होता है कि किस लेवल पे पानी अवेलेबल होता है पौधे को, उसके बाद पानी कैसे ख़त्म होता है, एग्जॉस्ट कैसे होता है पौधे, किस लेवल पे पानी पहुंच जाता है कि पानी अवेलेबल नहीं हो पाता पौधे के लिए, तो वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सॉयल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट, सॉयल में कॉन्स्टेंट मॉइस्चर कॉन्स्टेंट कैसे होता है, जैसे फील्ड कैपेसिटी है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, विल्टिंग पॉइंट है, ये सब चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ सॉयल वाटर, मूवमेंट ऑफ सॉयल वाटर का मतलब सॉयल में कैसे जो वाटर है कैसे मूव करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें होता है सैचुरेटेड फ्लो, अनसैचुरेटेड फ्लो ना, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट, ये सब चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी में, तो वो सब चीज़ें हम आपको समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जो कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आप लोग के लिए, सॉयल कोलाइड्स। तो कोलाइड्स क्या होता है, कोलाइडल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोलाइड होता क्या है भैया, कोलाइडल का मतलब सिंपल सी बात ये है कि जिनकी साइज 0.001 मिलीमीटर से कम हो उनको हम सॉयल कोलाइड कहते हैं, ठीक है। तो उसमें उनके नेचर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उनकी, वो सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। कैसा दिखता है, क्या क्या उनके हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या है, यहाँ केमिकल 2 बार लिखा गया है तो केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट लेक्चर आप लोग के लिए होगा, तो इस लेक्चर को मिस मत करिएगा, जरूर इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे डायग्राम आपको बनाने के लिए हम सिखाएंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एकदम कन्फर्म है। तो मन लगाकर बच्चों ये लेक्चर पढ़िएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ देखिए क्या है सॉयल रिएक्शन, ठीक है, 9th यूनिट क्या है सॉयल रिएक्शन। तो सॉयल रिएक्शन होता क्या है कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग ऑफ सॉयल पीएच ना, कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो सॉयल पीएच को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद पीएच को मतलब जानती है ना, क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ सॉयल रिएक्शन, सॉयल रिएक्शन को कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर जैसे पीएच कम है तो कौन सा रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्शन होगा, ये सब, पीएच ज़्यादा है तो कौन से मतलब एलिमेंट की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, मतलब उसकी उपलब्धता कैसे बढ़ जाएगी, वो सब डिपेंड करता है। एंड ऑन एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, देखो वहाँ लिखा भी है एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट में कैसे उनका असर होगा, ये सब चीज़ें हम लोग सॉयल रिएक्शन में पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है इंड पॉइंट ऑफ इंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक। तो नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं जो कि यूनिट 10 है, ये भी इंपॉर्टेंट है इंड एग्जाम या इंड टर्म एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉयल ऑर्गेनिक मैटर, किसकी बात हम करेंगे, सॉयल ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे। तो सॉयल ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या है, डेफिनेशन जानेंगे, उनके कंपोजिशन जानेंगे, तो ये सब चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़ाया जाएगा, कंपोजिशन जानेंगे, उनके मेंटेनेंस, सॉयल में हम कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, सॉयल में उनकी अवेलेबिलिटी जो है, उनकी जो उपलब्धता है कैसे हम बना सकते हैं, वो कैसे सॉयल हमारी हमेशा फर्टाइल रहे और प्रोडक्टिव रहे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस कैसे बनता है, ह्यूमस होता क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। देखते हैं होता क्या है कि आप जब कभी फील्ड पे जाइए, कोई पेड़ ओड़ पे जाइए, तो उसकी जो पत्तियां सूख के गिर जाती हैं और डंठले जब सूख के गिर जाती हैं तो सड़ जाती हैं, तो वहाँ की जब सॉयल देखेंगे ना आप टॉप लेयर की, तो थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक कलर की दिखेगी, तो वो जो ब्लैक की सॉयल है या ब्लैक कलर का जो आपको चीज़ें दिख रहा है वो आपका होता क्या है, वो आपका ह्यूमस होता है, जो कि पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है।
ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, एंड इन द इम्पॉर्टेंट्स इन द सॉइल फर्टिलिटी मेंटेनेंस, देखो लिखा भी है मेंटेनेंस, फर्टिलिटी मेंटेनेंस में क्या उसका इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट लाइन थोड़ा सा ये ऐसे हो गया है, एक प्रकार का इन्फिनिटिव की तरह साइन लग रहा है, तो वो थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बायो फर्टिलाइजर के बारे में जाएंगे 11 यूनिट, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इसी का ज़्यादा वो चल रहा है, क्रेज चल रहा है, मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है बायो फर्टिलाइज़र की, क्योंकि ये जो सॉइल की जो फर्टिलिटी लेवल होती है, फर्टिलिटी स्टेटस होती है, उस पर ये असर नहीं डालते हैं और मेंटेन करते हैं, और सॉइल एक प्रकार की आपकी फर्टाइल रहती है और प्रोडक्टिव होती है। तो इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन के बारे में, टाइप्स के बारे में, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं बायो फर्टिलाइज़र के, और पोटेंशियल, उनकी पोटेंशियल क्या है, ठीक है, ये सब जानेंगे। पोटेंशियल की मतलब वो क्या करेगा, कितना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा पौधे में, वो सब जानेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनके बारे में, सिम्बायोटिक या नॉन सिम्बायोटिक किस प्रकार के, सिम्बायोटिक का मतलब जानते ही हैं कि थोड़ा सा आप दो थोड़ा सा हम दें, दोनों मिलकर सिम्बायसिस करके नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जिसमें एसिडोबैक्टर, ठीक है, एजो स्पाइलियम, ये आएगा, इसमें आ जाएगा आपका राइजोबियम आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसमें आपको पता है फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आता है, ठीक है, वो सब हम आपको पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। मेरिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, मेरिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बायो फर्टिलाइज़र के फ़ायदे हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे और उनको अडाप्ट कर सकते हैं अपने फार्मर फील्ड पे, ठीक है। तो नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स, विच वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉयल टाइप्स ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द यूपी सॉयल। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल जो इंडिया में कौन कौन से सॉइल हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी है, उसके बारे में बात होगी डिटेल में, उनके कंपोजिशन के बारे में बात किया जाएगा, उनके फिजिकल कैरेक्टर के बारे में बात किया जाएगा, किस रीजन में पाए जाते हैं उसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। और इन जो यूपी की सॉइल है, क्योंकि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो यूपी में कौन कौन सी सॉइल पाते हैं, किस रीजन की कौन सी सॉइल होती है, उनका कंपोजिशन क्या होता है, कौन सा क्रॉप्स लगाना बेटर है, कैसे सॉइल को हम और अच्छा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, वो सब के बारे में हम लोग इस यूनिट में बात करेंगे। तो ये फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। और इससे जो लास्ट के दो तीन यूनिट है वो इंटर्म के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने टिक लगाया है वो मिडटर्म में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या किए कि इतना चीज़ें अभी हम लोग पढ़े और इसके बारे में सिलेबस का एक ओवरऑल व्यू ले लिए कि किस तरीके से हमको मिडटर्म में किस चैप्टर का वेटेज कितना है और कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उन सब के बारे में हम लोग जान लिए। तो अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में, जो कि फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग की जो फर्स्ट यूनिट है प्रैक्टिकल में, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल कराया जाएगा, उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट टेक्निक एंड कैलकुलेशन। मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ सॉइल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब कुछ एलिमेंट का कैसे हम इवेल्यूएशन करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगी, कौन कौन सी टेक्निक है, जैसे कि कुछ होता है आपको टार्ट्रेशन करना, ये सब चीज़ें के बारे में बताई जाएगी, ठीक है। और कैलकुलेशन कुछ फॉर्मूला, जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, ठीक है, वो सब चीज़ें, नॉर्मलाइजेशन या मोरेलिटी, वो सब चीज़ें के बारे में डिस्कस यहाँ किया जाएगा, ठीक है। सेकंड चलते हैं कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सॉयल सैंपल फॉर एनालिसिस ऑफ सॉयल कार्बन सॉयल पीएच एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको कलेक्शन लिए सॉयल के सैंपल को कलेक्शन लेना सिखाया जाएगा, कैसे हम सॉयल का सैंपल लेते हैं, उसमें एक सॉयल ड्रिलर होते हैं उनके, उसके हेल्प से हम लेते हैं सैंपल, और प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है सॉयल का, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सॉयल के प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर एनालिसिस ऑफ सॉइल कार्बन, सॉइल कार्बन की एनालिसिस कैसे करनी है, उसके किस तरह कौन कौन से तरीके हैं, वो सब बताया जाएगा, सॉइल पीएच के बारे में और ईसी के बारे में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका यूनिट, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉयल। तो सॉयल से हम प्रिपरेशन ऑफ HCl एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं सॉयल का, वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आपको प्रैक्टिकली कराया जाएगा प्रैक्टिकल लैब में, ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूनिट जो आपका प्रैक्टिकल होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, सेस्की ऑक्साइड, कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस इन HCl एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉयल। फिर से अब देखिए यहाँ क्या है, आयरन ऑक्साइड, सेस्की ऑक्साइड के हम डिटरमिनेट करेंगे। देखिए कार्बन निकालना सीख गए, HCl प्रिपरेशन करना सीख गए, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, आयरन ऑक्साइड और सेस्की ऑक्साइड का डिटरमिनेशन करेंगे कि सॉयल सैंपल में आयरन ऑक्साइड और सेस्की ऑक्साइड की मात्रा कितनी है। ठीक है, सेस्की ऑक्साइड जानते ही हैं, अल्मोनियम एंड आयरन के जो कार्बन, एल्युमिनियम एंड सेस्की ऑक्साइड के बारे में आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का हम यहाँ डिटर्मिनेशन करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ HCl ऑफ सॉयल के हेल्प से। ठीक है ना, फिर इसी तरह हमको यहाँ जो एक फिफ्थ हमारे प्रैक्टिकल है वो क्या है, एस्टिमेशन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इन इरिगेशन वाटर। इरिगेशन वाटर में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा कितनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता करना रहेगा। तो बहुत आसान है, इसका प्रैक्टिकल है, आपको कराया जाएगा आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, तो आप करिएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ सॉयल प्रोफाइल, सॉयल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे जो भी हम बता रहे थे थ्योरी में। ठीक है, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स एंड मिनरल्स का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनको देखते हैं, उनके कुछ फिजिकल करेक्टर होते हैं, वो सब चीज़ें की हेल्प से हम बताते हैं कि कैसे हम ये रॉक्स किस टाइप का है, मिनरल्स किस टाइप का, वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो ये आपका ओवरऑल जो फर्स्ट सेमेस्टर का सॉयल साइंस के अंदर जो आपका कोर्स था, फंडामेंटल ऑफ सॉयल साइंस, जो 2+1 3 credit का है, उसके हम लोग थियोरेटिकल सिलेबस और प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में बात कर लिए हैं। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप थ्योरी और प्रैक्टिकल ध्यान से करिएगा, रेगुलरली करिएगा, कोई प्रैक्टिकल मिस मत करिएगा। अगर कोई डाउट रहती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन के फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।